ही हेलो स्टूडेंट दोनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों MI A1 डिवाइस पे MI UI 10 को फास्ट जो बिल्ड था 8.7.12 उसको इंस्टॉल कर देने के बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था दोस्तों। पर उसमें जो है एपिक रोम के द्वारा MI UI 10 से एक नया अपडेट निकल चुका है 8.7.13, तो उसका मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन वीडियो बना दिया हूँ। अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते। पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सारा दोस्तों का कमेंट रहता था कि 8.7.13 को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद तो क्या क्या नया चेंजेस हुआ है, क्या क्या बग्स फिक्स्ड हुआ है, तो टॉप 10 जो नया चेंजेस आए सभी दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इस तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग और सबसे पहले पता चले। तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, सिंपल सेटिंग्स में जाता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 8.9.13 का बिल्ड आपको मिल जाता है। और ये वाला आप यहाँ पे जैसे दोस्तों ऑल स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्सन वही बिल्कुल पहले की तरह 7.1.12 जो नोगाट वाला वर्सन है वही आपको मिलता है। और दोस्तों मैंने जो यहाँ पे पर्सनल जो 10 चीज़ नोटिस किया हूँ, फर्स्ट जो बिल्डअप था 8.7.12 से 8.7.13 पे जो टॉप 10 चेंज हुआ है वही मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आप भी चाहते हैं MI स्टॉक एंड्रॉइड को छोड़ के MIUI 10 आपको डिवाइस पे इंस्टॉल करना और बाग फ्री एक रोम को आपको सेट के चलाना डे टू डे लाइफ में स्टेबल वाला, तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं इस वीडियो से भी आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला वाला जो था 8.7.12 पे जो क्या था कि मेरा पे जो HDR मोड काम नहीं करता था, अब जो है दोस्तों बिल्कुल अब HDR मोड को ऑन कर सकते, कोई भी एरर वेरर नहीं आता है और बहुत ही आसान तरीके से काम हो जाता है। वो दोस्तों 8.7.12 पे दोस्तों नहीं था। और एक फीचर जो अच्छा लगा कि सिस्टम UI जो 8.7.12 पे स्टॉप हो जाता था, पर इसमें एक बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, कोई भी ऐसा कोई लैग वैग आपको फील नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा मक्खन की तरह चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सिस्टम UI का स्टॉप का प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद और एक जो है कि कैमरा एरर हो जाता था, जब आपको ओपन करते थे कैमरा ऑटोमेटिक एरर हो जाता था, अब दोस्तों वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से जो कैमरा एरर जो है और HDR जो है वो फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा लैग होने की वजह से सेटिंग्स के अंदर जो है फुल स्क्रीन डिस्प्ले का जो ऑप्शन जेस्चर मिल जाता था वो दोस्तों यहाँ पे हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लैग फील होता था। तो वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लैग होने की वजह से उसको हटा दिया गया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब बिल्कुल वो बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। और दोस्तों और एक जो बाक्स था कि 8.7.12 पे जो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम था लॉक स्क्रीन पे, तो वो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम अब चला गया है दोस्तों। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब का कोई भी कहा लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आते हैं, कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है। 8.7.13 की जो अपडेट है उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं इसका दोनों ही वीडियो 8.7.12 का 8.7.13 का दोनों का डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं मेरे चैनल पे, वो अगर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते, बहुत ही आसान तरीके से आप इंस्टॉल भी कर सकते। और दोस्तों और जो एक नेगेटिव चीज़ मेरे को लगा कि ओपन कैमरा के अंदर आप दिखा सकता हूँ मैं ओपन कैमरा का जो आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये जो ओपन कैमरा और ओपन कैमरा जो आपको सबको पता है कि एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट करता है, ओपन कैमरा से जब अगर वीडियो को रिकॉर्डिंग करते जाते हैं तो कैमरा एरर होकर कट जाता है, ठीक है। देखिए फेल टू रिकॉर्ड वीडियो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को पता नहीं है। पहले जो 8.7.12 का जो था उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, 8.7.13 पे ओपन कैमरा या फिर एक्सटर्नल कोई कैमरा इसमें सपोर्ट नहीं करता है और कैमरा एरर होकर कट जाता है, सिर्फ डिफॉल्ट कैमरा ही काम आता है दोस्तों। अब जो है होम स्क्रीन आपको जो है दिखने को मिलता है और होम स्क्रीन पे जो है MIUI 9 का लिमिटलेस जो थीम है वो आपको मिलता है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। सिंपल थीम पे जाते हैं और उसके बाद MIUI का लिमिटलेस थीम आपको मिल जाता है यहाँ पे, और MIUI 10 का थीम दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं मिलता, जो क्लासिक थीम है वही आपको यहाँ पे मिल जाता है प्री इंस्टॉल। तो ये मतलब ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है दोस्तों, ये ठीक ठाक है। और OTA अपडेट की बात करो तो दोस्तों पहले जो था बहुत ही दिक्कत की बात करना सामना करना पड़ता था, जैसे करके OTA अपडेट लेने के लिए देख सकते हैं MIUI 10 8.9.12 पे जो इस तरह से मैंने वीडियो भी बना दिया था किस तरह से OTA अपडेट ले पाएंगे। और अब जो है बहुत ही आसान तरीके से OTA अपडेट जब आएगा यहाँ से ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। सिस्टमेटिक जो ऐप है वो ओल्ड MIUI 9 की जैसा ऐप आपको यहाँ पे मिलता है, MIUI 10 जैसा नहीं। यहाँ पे लुकिंग जो MIUI 10 का ही है दोस्तों, पर सिस्टम जो ऐप है MIUI 9 का ही मिलता है, जैसे करके कि डायलर जो है वो डायलर जो दोस्तों यहाँ पे जो है MIUI 9 का आपको मिलता है, ना कि MIUI 10 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। ऐसा कुछ खास नहीं है पर ये दोस्तों थोड़ा सा वर्ड लगा मेरे को। और दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको जो है कैमरा टू API का एनेबल मिल जाता है, कोई भी आपको मैजिक्स मैनेजर के द्वारा या फिर रूट बूट करके नहीं करना पड़ता है, डिफॉल्ट में आपको जो मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल हो जाता है और प्री रूट आता है। और कैमरा टू API इंस्टॉल होने की वजह से यहाँ पे जो गूगल कैमरा बहुत ही आसान तरीके से काम कर जाता है, देख सकते हैं ये वाला गूगल कैमरा है। और गूगल कैमरा का जितना सारा फीचर्स जो है सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, GCam जिसको
कहते हैं हम लोग, तो वो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से काम करता है, कोई भी लैग वैग कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है डिफॉल्ट में, जो आपको कैमरा टू एपीआई का बाई डिफॉल्ट मिल जाता है। और मैं बेसिकली एक दो दिन से यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरे को लैग नहीं फील हुआ। जैसे करके MIUI जब 10 पे जो 8.7.12 बिल्ड था तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता था, पर अब जो है 8.9.13 पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से काम होता है, बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है। और दोस्तों ये जो 10 चीज़ मैंने कवर किया, इसके सिवा छोड़ के अगर मेरा वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर चुके हैं और आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिए, इसके सिवा जो 10 मैंने चेंजेस बताए इसके सिवा छोड़ के कुछ और चेंजेस है तो वो भी बात कर सकते हैं मेरे से कमेंट से, तो मैं और भी यूजर है तो उनको भी पता चल जाए। और दोस्तों बहुत सारा कोशिश करने के बाद इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।